पिछले 5 साल मैंने, मतलब मेरा बेटा पैदा हुआ और उसके साथ मुझे अपना वक्त उसे देना था। तलवार जैसी फिल्म को डायरेक्ट करना, ये चैलेंज है या रिस्क है? ये चैलेंज है, जिम्मेदारी है, रिस्क नहीं कहूँगी। रिस्क कोई भी फिल्म डायरेक्ट करना होती है। चैलेंज इसलिए क्योंकि एक असली सही असली कहानी पर, असली हादसे पर आधारित है। चैलेंज इसलिए क्योंकि ये स्क्रिप्ट लिखी गई है विशाल भारद्वाज जैसे माननीय लेखक और फिल्म मेकर से, और चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे एक्टर्स हैं जो अपनी मतलब बहुत ही ऊंचे स्तर पर उन्हें माना जाता है एज परफॉर्मर्स, और ये सब एक दूसरे से पहले काम कर चुके हैं एक दूसरे के साथ। इसमें मैं न्यू कमर हूँ, तो इन सब का भरोसा पाना चैलेंजिंग था। जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि कहानी जो है वो एक रियल हादसे पे आधारित है। इसमें जो पात्र हैं वो जिसके ऊपर ये लोग जिन लोगों के ऊपर ये पात्र बेस्ड हैं वो जीवित हैं, और किसी को ऑफेंड ना करें ये फिल्म, किसी को भी ऑफेंड ना करे, किसी की सेंसिबिलिटी को ऑफेंड ना करे, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ओके, यू नो, गुलजार साहब की मैं बात करूँ या विशाल जी की बात करूँ, एक खास रिश्ता है उनके बीच, लगता है चाहे वो फिल्म मेकिंग के माध्यम से हो, उनका निजी रिश्ता हो, वो जो रिश्ता है आपस में, उस रिश्ते का भी, उस रिश्ते की वजह से भी बहुत कुछ, यू नो, फिल्म के लिए भी बेहतर हुआ होगा जी। ये फिल्म होती नहीं अगर वो रिश्ता नहीं होता, तो ये फिल्म होती नहीं, क्योंकि मतलब मैं विशाल जी को जानती हूँ उनके पापा के साथ जो रिश्ता है उसकी वजह से, वो मतलब उनका जो प्रोफेशनल एसोसिएशन वो तो है, लेकिन इतने साल जब आप साथ काम करते हैं तो यू बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ द फैमिली। वो मतलब मेरी तरह, मेरे भाई की तरह हैं, और हालांकि हमने प्रोफेशनली कभी एक साथ काम नहीं किया, लेकिन उम्मीद कई सालों से रही, कई स्क्रिप्ट्स पे हमने डिस्कशंस भी की, और खुशकिस्मती है कि अब जाके ये बात मुकम्मल हुई है। क्या ये भी एक वजह थी कि आपने बहुत वक्त से फिल्में नहीं करी? क्योंकि जब तक मुझे यकीन नहीं है, या मेकर को यकीन नहीं है, या विशाल जी की बात करूँ या गुलजार साहब की बात करूँ कि हाँ सिनेमा लगना चाहिए, सिनेमा हो रियल, जब हम इस तरह का सब्जेक्ट उठाते हैं तो उसमें बहुत रियलिज्म दिखाने की जरूरत होती है, तो क्या ये भी एक वजह रही आपने काफी वक्त से? नहीं, मैं अपने बच्चे को संभाल रही थी। पिछले 5 साल मैंने, मतलब मेरा बेटा पैदा हुआ और उसके साथ मुझे अपना वक्त उसे देना था, वो भी मेरे लिए ज़रूरी है फिल्म बनाने के साथ साथ। तो जो वक्त की आप बात कर रहे हैं उसकी वजह ये है, एक बार जब फैसला कर लिया कि ठीक है बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी परवरिश पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा अगर उसकी माँ वापस काम पे चली जाए, तब जब ये फैसला लिया कि ठीक है अब फिल्म बनानी है, तो उन्हीं बातचीत के दौरान तलवार का सब्जेक्ट, कई सब्जेक्ट्स में से इसका भी जिक्र हुआ, और फिर तब मैंने कहा कि नहीं, अगर फिल्म बनानी है तो मैं इस पे ज़रूर बनाना चाहूँगी। अगर मैं यू नो आरुषि हत्याकांड की बात करूँ, जिस तरह से पूरा का पूरा मुद्दा गरमाया, अलग अलग वर्जन आए और वही हम अपनी फिल्म के माध्यम से अलग अलग दिखा रहे हैं जी, यू नो कुछ लम्हे ऐसे भी होंगे जहाँ एक एक माँ की ममता के कॉन्टेक्स्ट से दिखाया जा रहा होगा कि यू नो आरुषि की बॉडी पड़ी है और कौन कहाँ आती है, वो उस तरह के सीन पिक्चराइज करना कितना जज्बाती रहा आपके लिए? नहीं, हमने तो वो भी किया है, और फिर वही माँ अपनी बेटी के मर्डर के बाद हस्बैंड को हेल्प कर रही है क्राइम सीन की सफाई में, तो वो भी है, तो दो धारी है ये फिल्म तलवार की तरह एक्चुअली। आसान नहीं होता ये सब करना, क्योंकि लाश हमेशा उस 14 साल की बच्ची की ही होती है, मर्डरर कोई भी हो या उस 50 साल के आदमी की, लेकिन इसी वजह से ये कहानी पर फिल्म बनाना भी ज़रूरी ही है, इन्हीं वजहों की वजह से। तीन अलग अलग वर्जन हैं सबके, अपनी अलग अलग, दो वर्जन्स हैं, तीन इन्वेस्टिगेशन्स हैं, लेकिन वर्जन्स दो हैं। ठीक है जी, जो दो वर्जन की आप बात कर रहे हैं जी, मेघना जी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद जी, एज एन इंडिविजुअल आपको क्या लगता है कि लोगों तक जो बात पहुँचनी चाहिए थी, या जिसने जिसने ये अपराध किया, क्या वाकई में इंसाफ हो पाया है या अभी भी सब कुछ अधर में है? हम इस मुद्दे पे चर्चा अभी तक इसीलिए जारी है क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात पूरी हुई नहीं है,
या पूरी तरह से इंसाफ हुआ नहीं है, या इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जितने सारे जवाब हमको मिले हैं वो पूरी तरह से कन्विंसिंग नहीं है। जब इस तरह की शंकाएं होती हैं तभी जाके मामला चर्चे में रहता है ना। तो नेचुरली ये सब चीज़ें हैं लोगों के जहन में, इसीलिए हम अभी भी इसके बारे में चर्चा करते हैं। कास्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट रही, और कास्टिंग में गुलजार साहब का, विशाल जी का, दो गुलजार साहब का अलग फील्ड है, काम किया है उन्होंने को लेकर, इन्वॉल्वमेंट कितना था कास्टिंग को लेकर? इट वॉज योर कॉल की आई वॉन्ट इरफान और आई वॉन्ट कोंकणा? नो, थैंकफुली गुलजार साहब की जो पार्टिसिपेशन थी वो कम ही रही, बिकॉज ही रिमेन्ड एट द लेवल, क्योंकि बिकॉज ही डिडंट कॉन्ट्रीब्यूट इन द राइटिंग, ही डिडंट कॉन्ट्रीब्यूट इन द डायलॉग और द स्क्रिप्ट, ही वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ऑन द लिरिक्स। जो भी मतलब फिल्म की शूट कम्प्लीट होने के बाद हमने गानों पर काम किया, क्योंकि इसमें लिप सिंक वाले गाने तो थे नहीं। इस कास्टिंग के प्रोसेस में विशाल जी, मेरे कास्टिंग डायरेक्टर हनी त्रेहान और मैं, हम तीन ज़्यादातर इस पर डिस्कस करते थे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि नाम सबके दिमाग में वही आते थे हर एक कैरेक्टर को लेके, चाहे वो इरफान खान हो, चाहे वो कोंकणा हो, चाहे वो नीरज कभी हो, चाहे वो इस फिल्म में बाकी जितने मतलब इतने मतलब एस्टीम्ड एक्टर्स हैं, अतुल कुमार हैं, गजराज राव हैं, सोहम शाह हैं, बहुत सारे मतलब एक्टर्स हैं इस फिल्म में जो दे आर वेरी वेरी एस्टेब्लिश्ड इन देयर ओन राइट। ये सारे जो हैं ये बहुत ही यूनैनिमस डिसीजंस थे, तो क्रिएटिवली बहुत सेटिस्फैक्शन होती थी ये जान के कि वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। और आसानी सब मतलब खुशकिस्मती इस बात की थी कि जिस एक्टर के पास हम गए जिस भी कैरेक्टर के लिए, उन्होंने हाँ कर दी और हमें उसके सेकेंड ऑप्शन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गुलजार साहब ने क्या फिल्म देखी है, और गुलजार साहब का किसी भी चीज़ के लिए अपनी राय व्यक्त करना, उनका किसी के लिए, किसी बात के लिए, किसी मुद्दे के लिए कुछ कहना बहुत मायने रखता है। आपका तो खैर मसला ही लगे, लेकिन क्या उन्होंने फिल्म देखी और उनका क्या रिएक्शन है गुलजार साहब? उन्होंने फिल्म देखी, हम जब टोरंटो के लिए प्रिंट तैयार कर रहे थे तो सबटाइटल प्रिंट चेक करना था, तो उस वक्त मैंने उन्हें फिल्म दिखाई। बहुत ही ही वॉज वेरी मूव्ड बाय द फिल्म। काफ़ी देर तक बात नहीं करना चाह रहे थे वो, और मैं कुरेद रही थी कैसी लगी, क्या गलत है, क्या सही है, बट ही डिडंट वॉन्ट टू स्पीक। बट वॉट ही सेज इज़ दैट इट्स अ मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने बनाई है, बट क्योंकि इसकी कहानी ऐसी है जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे सिनेमा के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। मीना जी, और क्या है आगे, आप इसके बाद किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? उम्मीद ये है कि इसके बाद 7 साल की और छुट्टी नहीं मिलेगी, सबसे पहली बात तो ये है। अभी एक्चुअली सोचा नहीं है, इस फिल्म में मेरी ज़िंदगी का काफ़ी वक्त, 3 साल हमारी ज़िंदगी के लग गए हैं, तो उसे उतारना बहुत आसान नहीं होगा और वक्त थोड़ा लगेगा, बट करेंगे, कुछ और करेंगे। आप कमर्शियल फिल्म करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा ना, जो आइटम सॉन्ग और इस तरह की फिल्म डायरेक्ट करना चाहेंगे ना, एक कंप्लीट कमर्शियल, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस हो गई या यू नो गोलमाल सीरीज हो गई, इस तरह की फिल्में गिवन अ चॉइस? ऑफ कोर्स, मतलब मैं ज़िंदगी में, मेरा उसूल ये रहा है कि कभी भी डोंट एवर से नेवर, बिकॉज यू डोंट नो वेयर लाइफ टेक्स यू। और क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है कि नथिंग इज़ गुड और बैड, हर एक की अपनी अपनी सेंसिबिलिटी होती है। अगर आपने मुझे 5 साल पहले पूछा होता कि आप तलवार जैसी फिल्म बनाएंगे, मुझे तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव इमेजिन कि कभी मैं इस जॉनर की फिल्म बनाऊंगी, तो कह नहीं सकती। पर मुझे पता नहीं है कि मैं किस तरह से मतलब उसे कर पाऊंगी कि नहीं, वो मुझे इस फिल्म के बारे में भी पता नहीं था। सो you know it's all open, you can't say predict these things or plan them. If someone come across with the same plot of, you know, commercial, a total commercial saying which is happening in a current scenario, would you be agree with that? If the story connects with me, I would definitely do it, because I need to be connected with the film, with the script. Agar wo nahi hua to wo kaam mein dikhega, so I need to be connected with the script. Uske alawa commercial, non commercial, mainstream, side stream, ye matlab pigeon holes, these don't affect filmmakers actually. अमूमन एक फिल्म मेकर का जब भी इंटरव्यू होता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है,
एक जर्नलिस्ट उठ के अपने सवाल तो कर ही लेते हैं, एक फिल्म मेकर भी कुछ कहना चाहता है अगर आपको कुछ लगता है आप कुछ कहना चाहती है तो क्या कहेगी तलवार के बारे में? और यू नो इन जनरल, इन जनरल तो लोग मतलब सी द होल चेंज इन द इंडस्ट्री यू नो द फिल्म मेकिंग। एक वक्त था, एक दौर था कि बहुत मुख्तलिफ लोगों को पता था फिल्म मेकिंग। प्रकाश यू नो मनमोहन देसाई साहब, प्रकाश मेहरा का प्रोडक्शन था। अब कॉर्पोरेट का इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया है, एक ईपी होता है, एक डीपी होता है, दुनिया के लोग आके घूमते हैं, बहुत चुनिंदा लोगों को पता था। हाउ डू सी द होल चेंज? You know, it's great to see that it's actually becoming like an industry or a, you know, a professional space. Which has its good sides and its bad sides. मैं जब छोटी थी और मेरे पापा फिल्म बनाते थे या मम्मी फिल्मों में काम करती थी, वो जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है इससे बहुत अलग है। वहाँ फिल्में मतलब ऐसे जैसे एक फैमिली एंटरप्राइज है, सब मिलके बना रहे हैं। दो तीन फिल्मों के यूनिट एक साथ होटल में अगर रह रहे हैं, कश्मीर में ही होता था सब कुछ नॉर्मली, तो वहाँ खाना सब साथ खा रहे थे। ये नहीं था कि ये हमारी यूनिट है वो आपकी यूनिट है, कॉम्पिटिशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती थी। सेट्स क्लोज्ड नहीं होते थे, आप किसी भी सेट, फिल्म के सेट पे अगर आप अगले फ्लोर पे शूट कर रहे हैं आप चल के दूसरे सेट पे जा सकते थे। दैट वाज अ डिफरेंट कमराडरी, वो अभी भी है पर कम दिखती है। बट द गुड स्टफ़ इज़ कि क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे एडवांस हो चुकी है, एक फिनेस आ गया है, टेक्निकली वी बिकम मच एडवांस। आई मीन आज हमारी अगर आप फिल्मों की क्वालिटी देखें, दे आर ऑन पार विथ एनी इंटरनेशनल फिल्म इन द वर्ल्ड, बिकॉज टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है, कॉस्ट ऑफ फिल्म मेकिंग कम हो गए हैं, तो प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज़ आर विलिंग टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, जिस वजह से अलग तरह के फिल्म मेकर्स, नए किस्म के एक्टर्स। I think it's a very exciting time for cinema today. Creative involvement jata nahi tha, creative jo creative hain log unka you know corporate jab involve hota hai unka involvement ya unki unke unke aitraz ki aap aise nahi aise kariye us baat ko le kuch kehna nahi। नहीं, ये सिर्फ आप कॉर्पोरेट्स पे इल्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि जब एक फिल्म बनती है उसमें बहुत सारा पैसा लगता है और किसी भी बिजनेस में उम्मीद ये होती है कि आपका घाटा ना हो। तो चाहे ये 1970s के प्रोड्यूसर की बात हो या सिंगल प्रोड्यूसर्स की बात हो, हर एक प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी फिल्म पैसे कमाए। तो ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स या स्टूडियोज पर कहना ये गलत है। आप क्यों तलवार आके देखें? इसीलिए कि हालांकि सब ये समझते हैं कि इस केस के बारे में बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी बाहर है और सबको सब कुछ पता है, मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि हाँ जी, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हो सकता है कि सबको सब कुछ ना पता हो। कई चीज़ें ऐसी हों जो या आपको पता ना हो, या आप भूल गए हो, या आपने गौर नहीं किया हो। हमारी कोशिश ये है कि इस केस में जितना सेंसेशनलिज्म, जितना कन्फ्यूजन है, उसको थोड़ा सा साफ करके एक साधारण सिंपल तरीके से सारे फैक्ट्स को इकट्ठा जमा करके, जो 8 साल से हमको दिए गए हैं, आपके सामने पेश करें एज अ फिल्म, जो आपको होपफुली एंगेज भी करे और फिर आपने जो ओपिनियन बनाई है या नहीं बनाई है उसे बनाने में थोड़ी सी मदद करें। प्लीज़ कम एंड वॉच।